हमारी लद्दाख की झांकी पहली बार निकलने जा रही है। और अगर आप लद्दाख की इस झांकी की तरफ ध्यान दें तो ये झांकी तीन पार्ट में बनाई गई है। पहला पार्ट अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 49 फीट बड़ी लंबी जो बुद्धा की प्रतिमा है वो दर्शाई गई है। उसके बाद अगर आप दूसरे पार्ट की तरफ देखें तो दूसरा पार्ट जो है वो यहाँ पर दूसरे पार्ट को आप ले गेट से का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। ले गेट से की सुंदरता जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। और जो तीसरा पार्ट है वो थिक से मठ को दिखाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से ले अपनी सुंदरता को देते हुए लोगों की पहली पसंद बना हुआ है और जिस तरीके से पहली बार लद्दाख की झांकी राजपथ पर निकलने वाली है, कलाकार भी अगर आप देखें तो यहाँ पर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखें शांतिपूर्ण और शांति के प्रिय जो लद्दाख के लोग हैं वो किस तरीके से अपने संगीत के माध्यम से अपने नृत्य के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप यहाँ देखें तो लद्दाख की जो झांकी है वो पहली बार निकलने जा रही है और इस झांकी में लद्दाख के उत्सव विभिन्न तरीके की जो संस्कृतियाँ हैं वो गुलदस्तों के माध्यम से प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है, क्योंकि लद्दाख की सुंदरता देखते ही बनती है। और जिस तरीके से पहली बार ये प्रदर्शन होने जा रहा है तो यहाँ पर इस जो लद्दाख की पूरी झांकी है उसको जिन्होंने तैयार किया है, जिन्होंने ये पूरा आउटलेट बनाया है, उनसे भी हम बात करेंगे। और आप देखें तो यहाँ पर लद्दाख की सुंदरता को बिखेरती हुई ये झांकी यहाँ तैयार की गई है। पूरी तरीके से इको फ्रेंडली ये झांकी बनाई गई है। और आप यहाँ देखिए, मैंने जिस तरीके से बात की कि लद्दाख की सुंदरता को देखते हुए ये झांकी का प्रदर्शन किया गया है। और यहाँ पर हमारे साथ वीर मुंशी जी भी जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से ये तैयार की गई है पूरी झांकी, इसकी क्या खासियत है? क्योंकि ये खासियत ये है कि पहली झांकी है जब लद्दाख यूटी बन गया, तो इट इज काइंड ऑफ सेलिब्रेशन फॉर एवरी लद्दाखी टू बिकम ए यूनियन टेरिटरी। सो इसलिए ये इम्पोर्टेंट इसका महत्व है। और हमने जो दर्शाया है कि बुद्धा है सामने एंड फिर ये जो गेट है, गेटवे ऑफ लद्दाख जो कहा जाता है, फिर एक मॉनेस्ट्री पीछे दिखाई, और भी सारे कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं, तो वो अपना ग्याक डांस दिखा रहे हैं। और भी एज ए लद्दाख इज डिक्लेयर्ड एज ए ग्रीन लद्दाख फॉर द होल वर्ल्ड। सो ग्रीन लद्दाख यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है और लद्दाख की ब्यूटी अपने आप में ही देखती हुई बनती है। और जिस तरीके से पहली बार ये झांकी निकल रही है, COVID-19 जैसी महामारी है, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती थी ये झांकी तैयार करने में? जी हाँ, वो चुनौती तो है, बिकॉज मेनी रेस्ट्रिक्शंस इसमें लागू है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन ऑफ पीपल ऑल्सो। इस टाइम नॉर्मली ओनली 12 आर्टिस्ट को परमिशन मिल गया इसको यहाँ पे आने के लिए। बिल्कुल, और 12 आर्टिस्ट यहाँ पर आए, एक प्राइड मूवमेंट होगा जब राजपथ पर ये झांकी निकलेगी। बिल्कुल, ये प्राइड मूवमेंट फॉर एवरी लद्दाख किड, फॉर द कंट्री शोइंग द फर्स्ट टाइम दिस लद्दाख ऑपरेट बिकेम द यूटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उनकी परंपरा, उनका ट्रेडिशन, एज यू नो इट्स अ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ लद्दाख। सो आई थिंक दे विल डू वेल इन फ्यूचर टू। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से वीर मुंशी जी ने भी बताया कि ग्रीन लद्दाख को दिखाने की कोशिश की गई है और विजन ऑफ फ्यूचर यानी कि भविष्य की जो विजन है उसको देखते हुए ये पूरी झांकी तैयार की गई है। तीन पार्ट्स इसमें दिखाए गए हैं और 12 जो कलाकार हैं लद्दाख के, उनके लिए ये गर्व का क्षण है जब राजपथ पर ये झांकी निकलेगी 26 जनवरी के मौके पर। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली।